नमस्कार, मैं हूं शेफ अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज नाश्ते की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक झटपट रेसिपी और। जी हाँ, आज बनाएंगे डोसा लेकिन साबूदाना यूज करके। बड़ा ही डिफरेंट सा डोसा है, टेक्सचर इसका बहुत अलग है और झटपट बन जाता है, जल्दी बन जाता है। बस इसे 1 से 2 घंटे सोक करना पड़ेगा और आपका बैटर तैयार करके आप रेडी टू गो हैं। तो चलिए बनाते हैं एक बढ़िया सा साबूदाने का डोसा, साथ में बनाएंगे एक बढ़िया सी टमाटर की चटनी। तो आज का ब्रेकफास्ट हमारी तरफ से, चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब सबसे पहले जो बैटर है ना, उसे बना लेते हैं। अब यहाँ बैटर में क्या रेशो इस्तेमाल किया, क्या अनुपात इस्तेमाल किया, वो समझ लेते हैं। 1 कप साबूदाना और उसमें 2 कप चावल। चावल जो है वो सोख होने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, इसलिए 2 घंटे चावल को सोख होना है। वैसे साबूदाना 1.5 घंटे में सोख हो जाता है, लेकिन दोनों को अगर आप साथ में सोख करना चाहते हैं, साथ में सोख कर सकते हैं, क्योंकि पीसना तो हमें साथ में ही है। तो यहाँ पर मैं 1 कप साबूदाना ले रहा हूँ और 2 कप टुकड़ा चावल ले रहा हूं। अब डोसे का बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है, बिल्कुल फ्लफी फ्लफी सॉफ्ट सॉफ्ट बढ़िया डोसे बनेंगे, मज़ेदार। और उसके साथ बनेगी एक बहुत ही बढ़िया सी हल्की खट्टी मीठी तीखी टमाटर की चटनी, वो बना लेते हैं। अभी खट्टी मीठी तीखी चटनी बनाने के लिए करीबन 1 बड़ा चम्मच तेल लेंगे। जैसी तेल गरम हो जाए, उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच चने की दाल। चने की दाल को थोड़ी देर पकाएंगे, उसके बाद डालेंगे 1 छोटा चम्मच उड़द की दाल। ये दोनों दालें कच्ची हैं। साथ में मैं डाल रहा हूँ 10 से 12 गार्लिक के क्लोव्स और थोड़ा सा अदरक। दो सूखी लाल मिर्चें। अब साथ में डालेंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता। जैसे ही कड़ी पत्ता कड़कड़ाए, उसी टाइम पे टमाटर और प्याज दोनों डाल देंगे। अब वैसे इसमें सूखी लाल मिर्च हमने डाली है, लेकिन थोड़ी सी हरी मिर्च डालने से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यहां पर 1 हरी मिर्च को चॉप करके डाला है मैंने। साथ में डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। अब इसे अच्छे से पकाना है जब तक टमाटर एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर ये चटनी के जो मेन फ्लेवर्स है, खट्टा मीठा तीखा। भैया खट्टा आएगा इमली से, मीठा आएगा चीनी या गुड़ से, और तीखा तो हमने 2 टाइप की मिर्चें इसमें डाल दी हैं। अब इसमें 1 चम्मच इमली जो है भिगोई हुई, वो डाल देते हैं। साथ में डाल रहा हूँ मैं 1 बड़ा चम्मच गुड़। अब साथ ही मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा पानी, उसके साथ ये पूरी चटनी को पका लिया जाएगा। अभी चटनी का पानी बिल्कुल अच्छे से सूख जाना चाहिए, फिर इसे ठंडा करेंगे और बढ़िया से इसे फाइन पेस्ट कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया खट्टी मीठी तीखी चटनी बनती है। इडली के साथ खाइए, डोसे के साथ खाइए, कैसे भी खाइए, बहुत मज़ेदार चटनी है। खैर, ये डोसे के साथ तो ये बहुत अच्छी लगती है। अब चटनी तैयार है, चलिए अब डोसा बना लेते हैं। डोसा बनाने के लिए मेरे पास एक नॉनस्टिक पैन है। अगर आपके पास ये पैन ना हो तो आप डोसे के तवे को, यानी कि जो कास्ट आयरन का तवा होता है, फ्लैट वाला होना चाहिए। अगर वो रोटी वाला तवे में बनाएंगे तो शायद नहीं बनेगा, क्योंकि वो चिपक जाता है उसमें। आप कोई भी तवा लीजिए, उसे अच्छे से गर्म कर लीजिए, फिर उस पर हल्का सा तेल डालिए,
हल्का सा पानी का छिट्टा मारिए और एक प्याज लेकर उसे अच्छे से मल लीजिए तो वो नॉनस्टिक हो जाएगा। देखो ये तो होगी टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर ये सब नहीं करना तो नॉनस्टिक तवा लो, उसे गर्म करो और डोसा बनाओ। चलिए यहाँ पे जो बैटर है इसमें अब डालेंगे एक छोटा चम्मच नमक और एक चम्मच फ्रूट सॉल्ट। अब हल्का सा पानी डालकर इस फ्रूट सॉल्ट को अच्छे से मिक्स होने देंगे, ये डोसे के बैटर को फुला देगा। अब ये साबूदाने डोसे की जो खासियत है कि ये अंदर से एकदम सॉफ्ट रहेगा, बाहर से क्रिस्पी हो जाएगा, और वो करने के लिए आपको इसे बटर में पकाना है। अगर आप बटर नहीं खाना चाहते आप ऑयल में पका सकते हैं, बट बटर में रिजल्ट अच्छा आएगा। चलिए अब तवा जो है वो मीडियम हॉट होना चाहिए, उसमें एक कड़छी इस तरीके से डोसे का बैटर डालेंगे, उसे फैला लेंगे और फिर उसे क्रिस्पी होने देंगे। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा बटर। अब ये बढ़िया से क्रिस्पी हो गया, इसे निकाल लिया जाए। अब ये बढ़िया क्रिस्पी साबूदाने के डोसे और ये बढ़िया चटनी खाने के लिए तैयार है। आप पूरे परिवार के लिए बनाइए, वो खाते रह जाएंगे, आप बनाते रह जाएंगे और टेस्टी इतना है ना कि मज़ा आ जाएगा सच में। मतलब मेरा तो मन कर रहा है कि बस तोड़ो, डुबाओ और मिलते हैं जल्दी। बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।